ଭାରତ ଏବେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75ତମ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଆଜି ଏହି କ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ କହ୍ନୈୟାଲାଲ ଦତ୍ତାଙ୍କ ବୀରଗାଥା। आज हम बात करेंगे महान लेकिन भूले बिसरे क्रांतिकारी कन्हैयालाल दत्त की। उनका जन्म 31 अगस्त 1888 को अविभाजित बंगाल के चंदन नगर में हुआ था। कन्हैयालाल दत्त राष्ट्रवादी जुगांतर समूह से जुड़े थे, जो उस समय भारत की स्वतंत्रता के लिए बंगाल में संचालित दो मुख्य और भूमिगत क्रांतिकारी संगठनों में से एक था। कन्हैयालाल ने 20 वर्ष की युवावस्था में ही मातृभूमि के लिए प्राण न्योछावर कर दिए थे। कन्हैयालाल दत्त को मुजफ्फरपुर बम हमले में शामिल होने के कारण अंग्रेजों ने 1908 में गिरफ्तार किया था। उनके साथ कम से कम 40 क्रांतिकारी भी पकड़े गए थे। कुछ महीने बाद दत्त और उनके मित्र सत्येंद्र नाथ बोस को नरेंद्र नाथ गोसाई की हत्या का दोषी ठहराया गया। गोसाई पहले क्रांतिकारी था, लेकिन बाद में वो अंग्रेजों से मिलकर सरकारी गवाह बन गया था। गोसाई की गवाही के कारण ही ब्रिटिश पुलिस ने अनेक स्वाधीनता सेनानियों के नाम आरोप पत्र तैयार किए। इसका बदला लेने के लिए सत्येंद्रनाथ और कन्हैयालाल ने जेल में ही गोसाई को गोली मार दी। नरेंद्रनाथ की हत्या को लेकर जिला मैजिस्ट्रेट के समक्ष कन्हैयालाल ने स्पष्ट बयान दिया। नरेंद्रनाथ की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो गद्दार था। फांसी के एक दिन पहले ब्रिटिश जेल के वार्डन ने कन्हैयालाल को मुस्कुराते देखकर कहा, कल जब फांसी पर लटकाया जाएगा तो तुम्हारी ये मुस्कान गायब हो जाएगी। अगली सुबह भी कन्हैयालाल मुस्कुरा रहे थे। दत्त की निर्भीकता देखकर वार्डन अवाक रह गया। 10 नवंबर 1908 की सुबह कन्हैयालाल को कोलकाता की अलीपुर जेल में फांसी दे दी गई। कन्हैयालाल के बलिदान के करीब 15 साल बाद मोतीलाल रॉय ने उनकी स्मृति में चंदन नगर कस्बे से बांग्ला भाषा में पुस्तक प्रकाशित की। उस समय चंदन नगर फ्रांस के कब्जे में था, लेकिन अंग्रेजों ने सी कस्टम्स एक्ट 1878 के तहत उस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया। इस अधिनियम में ब्रिटिश क्षेत्रों में भेजी जा रही किसी भी आपत्तिजनक सामग्री को प्रतिबंधित करने का प्रावधान था। इस पुस्तक में मोतीलाल ने उन पलों को याद किया था जब उन्होंने अंतिम संस्कार के समय कन्हैयालाल के पार्थिव शरीर के दर्शन किए थे। उन्होंने पुस्तक में लिखा था कि कन्हैयालाल के चेहरे पर योगी जैसी शांति थी और उनके शरीर पर कोई भी ऐसा निशान नहीं था जिससे मृत्यु के समय भय का पता चलता हो। कन्हैयालाल की फांसी की लोगों के बीच खूब चर्चा हुई। देश के लिए अपना जीवन उत्सर्ग करने के कारण वे जनमानस में बस गए। राष्ट्र सेवा के लिए कन्हैयालाल के उत्साह ने बाघा जतिन, रास बिहारी बोस, मास्टरदास सूर्य सेन और उनके समूह के सदस्यों सहित अनेक महान बंगाली क्रांतिकारियों के दिलों में आजादी की ज्वाला और तेज कर दी। कन्हैयालाल दत्त जैसे शहीदों के बलिदान और अप्रतिम देश सेवा का भारत सदैव ऋणी रहेगा।